दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर, बारकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग, खुफिया इनपुट के बाद छापेमारी में अब तक आईएसआईएस के 15 संदिग्ध गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। रॉक गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत, शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमित शाह का आज फिर बीजेपी अध्यक्ष बनना तय, दोपहर तक औपचारिक ऐलान होने के बाद पार्टी मुख्यालय में करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। और प्रिंस नरूला बने बिग बॉस सीजन 9 के विजेता, ग्रैंड फिनाले में बड़े दिनों बाद फिर एक साथ दिखे सलमान और किटी। नमस्कार, सारा देश 100 खबरें लेकर हाजिर हूं, मैं पायल भुयान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधायन हमले की आशंका के बीच सुरक्षा बल आसमान से लेकर जमीन तक पैनी नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है, संदेह होने पर लोगों की आईडी देखकर उनसे पूछताछ की जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 15 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस की मदद से 6 शहरों में छापेमारी के बाद संदिग्धों को पकड़ा गया था। संदिग्धों में से एक मोहम्मद अलीम लखनऊ से पकड़ा गया है। नाराज लोगों ने मोहम्मद अलीम की दुकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। कुशीनगर से गिरफ्तार आईएस के संदिग्ध रिजवान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद रिजवान के मोबाइल पर उसके आकाओं का मैसेज आया कि अलर्ट हो जाओ। एनआईए और एटीएस ने मिलकर औरंगाबाद से आईएसआईएस के एक और संदिग्ध इमरान पठान को गिरफ्तार किया है। देश भर में अब तक कुल 15 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुणे के मुमरा स्टेशन पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुमरा इलाके से ही आईएस से जुड़े संदिग्ध कंप्यूटर प्रोग्रामर मुजब्बीर शेख को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए अबू अनस के घर वाले राजस्थान के टोंक में रहते हैं। उनका कहना है कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, सबको यकीन है कि जांच में वो बेदाग साबित होगा। लुधियाना में दो संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये दोनों ढोलेवाल चौक के पास आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस इलाका सील कर उनकी तलाशी में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के 8 लड़के एटीएस के रडार पर हैं। एटीएस के मुताबिक इनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध है, वह ये समर्थित ऑनलाइन चैट रूम में अक्सर एक्टिव रहते हैं। खुफिया विभाग ने 26 जनवरी तक मुंबई पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। इसके बाद मुंबई में हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को आपात बैठक भी बुलाई है। रिपब्लिक डे से पहले मुंबई में एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीं से लगातार भारत में हमले हो रहे हैं और हम सह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हम कब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हरकतुल मुजाहिदीन के कमांडर इशफाक सोफी को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इशफाक सोफी के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिला है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धमकी दी है कि वो 26 जनवरी को पूरी तरीके से कामकाज बंद रखे, स्कूलों को भी बच्चों को जबरन कार्यक्रम में न बुलाने की धमकी दी है। हरिद्वार में आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अर्धकुंभ मेला पुलिस ने होटल और धर्मशाला प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी को भी बिना आईडी प्रूफ के ठहरने न दिया जाए। वाराणसी में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को देखते हुए कैंट स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। इस मौके मॉक ड्रिल में जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ते ने हिस्सा लिया। आज होने वाले बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में एक बार फिर अमित शाह का सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुना जाना लगभग तय है। दोपहर तक अमित शाह के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अमित शाह के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भरोसे के चलते संघ समेत सब लोग मान गए हैं।
चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी। 11 बजे अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 1 बजे तक कोई दूसरा नाम न आने की स्थिति में शाह को निर्विरोध चुन लिया जाएगा और उसके बाद अमित शाह पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभा कर जाएंगे। औपचारिक ऐलान के बाद अमित शाह पार्टी मुख्यालय में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 3 दिन के भारत दौरे पर आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ओलांद गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहले चंडीगढ़ में एक दिन बिताएंगे। दौरे के पहले कार्यक्रम में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। ऐसे में पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए हैं और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में फ्रांस की सेना भी राजपथ पर मार्च करेगी। शनिवार को हुए फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान फ्रांसीसी सेना ने भी अभ्यास किया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इंडिया गेट और आसपास के इलाकों को सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया है। ये रिहर्सल राजपथ पर ठीक उसी तरह होती है जिस तरीके से 26 जनवरी को परेड की जाती है। गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने के लिए देश भर से दिल्ली आए बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुलाकात की। ये बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय वीजा पुरस्कार जीतने वाले बहादुर बच्चों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इन बच्चों को सम्मानित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जुड़ी करीब 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। इन सभी फाइलों की डिजिटल कॉपी को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाएगा। फाइलें देखकर नेताजी के फैमिली भावुक हो गई। अब हर महीने 25 से 26 फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस मौके प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़े पत्रों को भी एक पोर्टल पर लॉन्च किया। फाइलें सार्वजनिक होने के बाद जहां बीजेपी नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी फैसले का स्वागत किया है। नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने के बाद कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया। नेताजी के फाइल को सार्वजनिक करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें नेताजी के साथ रूस में क्या हुआ इससे जुड़ी फाइलें भी चाहिए। नेताजी की सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक किए जाने का आरएसएस ने स्वागत किया है। आरएसएस ने इस जोन के प्रचारक प्रदीप जोशी ने कहा कि सब सामने आना ही चाहिए। रांची में सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस तिरंगे को फहराया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को सूखे की मार झेल रहे किसानों का हाल जानने के लिए बुंदेलखंड के दौरे पर थे। उन्होंने सूपा गांव के लाटपुर तक 7 किलोमीटर की बुंदेलखंड बचाव यात्रा की। राहुल गांधी ने किसानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर उन्होंने देश हित में काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के गरीबों और किसानों का दर्द भी जाने। अब इन 7 पर सरफराज आलम के बारे में लगातार खबर दिखाए जाने का असर हुआ है और आरोपी विधायक सरफराज आलम को जेडीयू से सस्पेंड कर दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस में एक दंपति के साथ बच्चे लूटी के आरोप में घिरे सरफराज को रेलवे पुलिस ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। शनिवार को स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें छोड़ दिया गया था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि जल्द ही बहुत से रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। पंजी में उन्होंने कहा कि वो ग्राहक सेवा को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में छात्र रोहित वेमूला की मौत से गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन और अनशन 4वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अनशन से छात्रों को उठाने के लिए पुलिस कार्रवाई से नाराज छात्रों ने पुलिस को बैठ के नारे भी लगाए। इधर रोहित के भाई ने आरोपियों को सजा देने की मांग की है। रोहित वेमूला खुदकुशी मामले में एबीवीपी के खिलाफ मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ अज्ञात लोग माटुंगा में एबीवीपी के दफ्तर में घुस गए और जमकर वहां पर तोड़फोड़ की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची अभिनेत्री काजोल ने सहिष्णुता के मुद्दे पर मशहूर लोगों को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों का कर्तव्य है कि क्या बोलना है, कौन से शब्द चुनने, इसका वो ध्यान रखें। दिल्ली में लागू की गई और इवन फॉर्मूले की तर्ज पर मथुरा प्रशासन ने जाम की समस्या से निजात पाने के लिए वृंदावन में वीकेंड और छुट्टियों पर बाहर से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है और इस रोक के चलते सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी बाहरी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज लगातार 3rd दिन राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह कामकाज के लिए बाहर निकलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में शीतलहर के बीच एक हफ्ते से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने माना है कि 8 मौतें ठंड के चलते ही हो सकती हैं। सरकार के मुताबिक रैन बसोरों के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
पटना में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंड के कारण गरीब लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोग आग जलाकर किसी तरीके से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक व्यक्ति की ठंड लगने से मौत हो गई। ग्रामीण वासियों का कहना है कि मृतक बेहद गरीब था और उसके पास न तो ओढ़ने के लिए रसाई थी और न ही बिछाने के लिए बिस्तर। कड़ाके की ठंड के बावजूद इलाहाबाद में पौष पूर्णिमा के मौके पर लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यहां पर घने कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई से सटे वसई के केटी सिनेमा हॉल में बीजेपी नेता रामदास मेहर की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में वो सिनेमा हॉल के मैनेजर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शनिवार शाम को रामदास अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गए थे, लेकिन फिल्म किसी गड़बड़ी की वजह से समय पर शुरू नहीं हो पाई, जिस पर रामदास को गुस्सा आ गया। अहमदाबाद में लोग उस वक्त हैरान हो गए जब एक दुल्हन अपने ही मंडप में बुलेट पर सवार होकर आई, और यही नहीं बुलेट पर आई इस दुल्हन ने रिसेप्शन हॉल में राउंड भी लगाए। और खास बात यह है कि आयशा नाम के इस दुल्हन को उनके पिता ने ये बुलेट स्पेशल गिफ्ट दी थी। आयशा के मुताबिक जब वो 16 साल की थी तभी से बुलेट की मांग कर रही थी। आगरा में 5 गांव के लड़के परेशान हैं। दरअसल इन गांव का रास्ता ताजमहल के पूर्वी गेट के पास से होकर गुजरता है, जहां 500 मीटर के दायरे में वाहनों पर बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग यहां रिश्ता लेकर नहीं आते। सिद्धार्थनगर में एक ससुर ने कड़ाके की ठंड में अपनी बहू को जबरन घर से बाहर निकाल दिया। लोगों के गुहार लगाने के बावजूद ससुर का दिल नहीं पसीजा। पीड़ित का पति जो है वो बाहर काम करता है। राजस्थान के मंडावा में एक मनोरोगी पिछले 10 सालों से जंजीर से जकड़ा हुआ है। पीड़ित का नाम मुस्तफा है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से परिजन उसका सही इलाज कराने में असमर्थ हैं। धनबाद के नक्सल प्रभावित टुंडी के चरक खुर्द गांव के कई दशकों से एक कुंड से गर्म पानी निकल रहा है। लोगों का मानना है कि इस पानी के इस्तेमाल से पेट और त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। बेंगलुरु में 92 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी उमापति को सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने 4 साल में विधानसभा के 190 चक्कर लगाए हैं। वो बाबूशाही से परेशान हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 3 मेडिकल छात्राओं के शव उनके कॉलेज के पास ही एक कुएं में मिलने से सनसनी का खेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ये खुदकुशी का मामला हो सकता है। सूरत में एक बदमाश ने सरेआम एक शख्स की चाकू घोंप कर हत्या कर दी, जबकि उसके साथी को जख्मी कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये वारदात सूरत के भागातालाब इलाके के सबसे भीड़भाड़ वाले जनता बाजार की है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस को इस मामले में आपसी रंजिश नजर आ रही है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है जब आरोपी हाथ में छुरा लेकर घूम रहा था और आसपास के लोगों की आवाजाही हो रही थी, और इसके बावजूद आरोपी हमला कर वहां से फरार हो गया। गोरखपुर में पुलिस ने पति और बेटे की हत्या के आरोप में महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे पति और बेटे की हत्या कर दी। मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी आरएलडी विधायक पूरन प्रकाश की बेटी भावना के चलती ट्रेन में हुई सामान की चोरी से रेलवे में हड़कंप मच गया है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद विधायक भी अपने समर्थकों के साथ मथुरा स्टेशन पहुंचे और वहां हंगामा करते हुए धरने पर वो बैठ गए। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। घटना में एक शख्स घायल हो गया जबकि दूसरा बाल बाल बच गया। पटना में नेताजी के जयंती के मौके पर एक शख्स के पास आजाद हिंद फौज द्वारा जारी 1000 रुपए के नोट को देखकर लोग हैरान रह गए। रायपुर में भूख हड़ताल पर बैठी एक नर्स की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के 300 से ज्यादा अधिक स्टाफ को बाहर निकालने के आदेश का विरोध हो रहा है। बिहार के जमताड़ा में पत्नी के वियोग में पति ने आत्महत्या कर ली। दरअसल सदैव मरांडी नाम का ये शख्स अपनी पत्नी के मायके से वापस नहीं लौटने से दुखी था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने गैरकानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चलाने वाले करीब 37 भूखंडधारियों को सेंटर सील करने का नोटिस दिया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक नकली गुटखा कंपनी पर छापामारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लड़की के कोर्ट मैरिज करने पर परिवार ने लड़की के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद बयान देने के लिए थाने पहुंची युवती ने पुलिस पर उसे 3 दिन थाने में बिठाने का आरोप लगाया है। नवविवाहित के पति ने पुलिस पर परिवार से मिलीभगत का आरोप लगाया है।
कानपुर में पुलिस ने कई सालों से चल रहे नकली डीजल बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रिंस नरूला सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 के विजेता बन गए हैं। प्रिंस ने ऋषभ सिन्हा मंदानी और रोशन को हराकर ही खिताब अपने नाम किया। डबल ट्रबल थीम वाले रियलिटी शो से पहले प्रिंस नरूला और 2 और रियलिटी शो अपने नाम कर चुके हैं। प्रिंस वोडीज और स्प्लिट्स विला के भी विनर रह चुके हैं। सलमान खान की मेजबानी वाले बिग बॉस में के ग्रैंड फिनाले में अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता आदित्य रॉय कपूर भी पहुंचे। प्रिंस ने आईबीएन 7 से खास बातचीत में कहा है कि रियलिटी शो का किंग बनकर वो बहुत खुश है। करण जौहर के असहिष्णुता के बयान पर अक्षय कुमार ने कहा है कि हमारे देश में सबको बोलने की आजादी है। अक्षय ने कहा है कि बोलने की आजादी के बीच जो भी बोले सोच समझ कर बोले। पहले मस्ती फिर ग्रैंड मस्ती और अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती को लेकर निर्माता इंद्र कुमार 25 मार्च को सिनेमाघरों में आ रहे हैं। मूवी के कुछ बोल सीन्स और सेंसर बोर्ड की तलवार चल चुकी है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर 90 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने सलमान खान शाहरुख खान और दूसरे अभिनेताओं को ट्विटर पर पछाड़ दिया है। अपनी कमबैक फिल्म दिलवाले के बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाने पर काल चोल ने साफ नाराजगी जताई है और अब उन्हें सुझाए कोश की दुर्गा रानी नहीं करने पर पछतावा है। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख से भी ज्यादा घरों में बिजली गायब है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी करीब 30 इंच बर्फबारी और होने की आशंका है। इस तूफान से उत्तर कैरोलिना, टेनेसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूजर्सी और न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। न्यूयॉर्क में खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लगा दी गई है। इसके बाद शनिवार को यहाँ के मशहूर ब्रॉडवे थिएटर के सभी शो रद्द कर दिए गए हैं। चीन के कई राज्यों में पारा -47 डिग्री तक पहुंच गया है। सरकार ने प्रभावित राज्यों के लोगों से अपील की है कि वो कुछ दिनों तक घरों में ना निकले। फ्लोरिडा के मियामी में एक 30 साल की भारतीय महिला ने शराब के नशे में जमकर हंगामा काटा जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। पाकिस्तानी सेना ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर बादशाह खान यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में मदद करने का आरोप है। इस हमले में 21 लोग मारे गए थे। कनाडा के एक स्कूल में गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं। हमले में जख्मी हुए 2 लोगों की हालत गंभीर है। मेक्सिको के 2 सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में लावा और गैस निकल रही है। प्रशासन ने कोलिमा और दूसरी ज्वालामुखी से दूर रहने की अपील की है लोगों से। इटली में शनिवार को वेनिस कार्निवल की ग्रैंड ओपनिंग में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। आतंकी खतरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5वें और आखिरी वनडे में मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 330 रनों के जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए। भारत के लिए मनीष पांडे ने नाबाद 104, रोहित शर्मा ने 99, शिखर धवन ने 78 रनों की पारी खेली। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया जबकि रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज। के सिडनी का मैच था धोनी का आखिरी वनडे। कैप्टन धोनी से मैच के बाद जब पत्रकारों ने उनके रिटायरमेंट के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने दिलचस्प सफाई देते हुए कहा है कि इसके लिए PIL डालनी होगी। सिडनी वनडे में टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट छटके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच के लिए गुरकीरत मान को चोटिली अंजुके रहाणे की जगह पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है तो वहीं ऋषि धवन को भुवनेश्वर की जगह दी गई है। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। चंद्रपॉल ने वेस्ट इंडीज के लिए 164 टेस्ट मैच में 11,867 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू T20 टूर्नामेंट में बिग बैश लीग का फाइनल आज खेला जाएगा। ये मुकाबला मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर्स के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में साइना मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं रोहन बोपन्ना ने अपने साथी के साथ प्री क्वार्टर में जगह बनाई है।